आपके न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायग्राम्स करी थी और डायग्राम्स में हम लोगों ने सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम, जिसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोलते हैं, ये चीजें करी थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों के पास बुक में मौजूद होंगे वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हम लोग अपनी लास्ट डायग्राम के साथ हाजिर हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट होता क्या है? जिस तरह आप लोगों ने देखा सिंपल बार डायग्राम था, आप लोगों के पास सिंपल बार की सूरत में डेटा को शो कर रहे थे हम लोग, मल्टीपल बार डायग्राम में मल्टीपल बार्स थे उसकी फॉर्म में डेटा शो हो रहा था और हम लोग शेड देके उसको कैटेगराइज करते थे, बताते थे कि कौन सा बार किस डेटा को शो कर रहा है। इसी तरह कंपोनेंट बार डायग्राम में एक बार बना देते, उसको कंपोनेंट करते थे, हिस्से करते थे और उसमें भी शेड देते थे, उसमें भी शो करते थे। इसी तरीके से हम लोग के पास पाई चार्ट, पाई चार्ट एक सर्कुलर डायग्राम का नाम है, एक ऐसी डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम से मतलब जो सर्कल में बनती हो, और सर्कल में हम लोगों के पास जो डायग्राम बनती है, सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो इस पाई चार्ट को मैं सर्कुलर डायग्राम भी बोल सकता हूं, पाई चार्ट बोले पाई डायग्राम बोले बात एक ही है, तो सर्कुलर डायग्राम भी बोल सकता हूं। इस सर्कुलर डायग्राम में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि आप लोगों के पास पाई डायग्राम बेस करती है सेक्टर्स पे, और सेक्टर्स हम लोगों के पास उन हिस्सों को, उन पोर्शंस को कहा जाता है जो कि हमारे पास पाई चार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो पोर्शन कितने होते हैं, कैसे आते हैं, वो हम लोग अभी सीखेंगे। चूंकि पाई चार्ट हम लोग के पास सेक्टर्स पे डिपेंड करता है, जब भी इस पाई चार्ट को, सर्कुलर डायग्राम को मैं सेक्टर डायग्राम भी बोलता हूं। ऐसे डायग्राम जो सेक्टर्स की मदद से बने, वो डायग्राम हम लोग के पास सेक्टर डायग्राम कहलाएगी। खैर, अब वो सेक्टर्स किस तरीके से आते हैं, आपको पता है कि पूरा एक सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो सर्कल हम लोग के पास तकरीबन 360 डिग्री के बराबर होता है। अब उस 360 में से मैं हिस्से कर दूं अलग अलग, एक हिस्सा करूं ये सेक्टर फर्स्ट सेक्टर का हो गया, एक और हिस्सा करूं वो सेकंड सेक्टर का हो गया, एक और हिस्सा करूं थर्ड सेक्टर का हो गया, तो मुख्तलिफ हिस्से कर दूं एक सर्कुलर डायग्राम के, तो वो सेक्टर्स कहलाएंगे डिफरेंट। अब वो हिस्से किस तरीके से होंगे आप लोग के सामने। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पाई डायग्राम के बारे में बुक में से पढ़ लें तो देख लेते हैं हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है। अब पाई डायग्राम इज अ ग्राफिकल डिवाइस ऑफ सर्कुलर शेप। हम लोग के पास पाई डायग्राम क्या है, पाई डायग्राम एक ग्राफिकल डिवाइस है जो किस शेप की होती है, सर्कुलर शेप की होती है, ब्रोकन इनटू सब डिविजंस, किसमें डिवाइड हुई हुई होती है, सब डिविजंस में डिवाइड हुई हुई होती है। दीज सब डिविजंस आर कॉल्ड सेक्टर्स, ये सब डिविजंस हम लोग के पास क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं, हूज एरियाज इज प्रोपोर्शनल टू द वेरियस पार्ट इंटू विच द होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड, जिसका एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल होता है उस क्वांटिटी पे, जो क्वांटिटी हम लोगों को गिवन होती है या जो क्वांटिटी हम लोगों को डिवाइड होकर हासिल होती है। मतलब ये एंगल ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है। विच द होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड, द सेक्टर्स आर कलर्ड डिफरेंट टू शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू द होल। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कलर करके अलग अलग पार्ट्स को शो करवाया जाता है। अ पाई डायग्राम इज एन अल्टरनेटिव ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम टू कंस्ट्रक्ट पाई डायग्राम। फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी सुटेबल रेडियस, देन द होल क्वांटिटी व्हिच इज टू बी डिवाइडेड इज इक्वेटेड टू 360। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ एंगल्स आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला कॉम्पोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। यह आप लोगों के पास पाई डायग्राम के एंगल मालूम करने का फॉर्मूला है। सही, उन्होंने बता दिया पाई डायग्राम किस तरीके से बनानी है। मैं आप लोगों को बता देता चलूं, ये क्वेश्चन है आप लोगों की बुक का लिखा हुआ क्या है, ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। आप लोगों को पाई चार्ट बनाना है इस डेटा के लिए। आइटम्स में आप लोगों का फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मेडिकल केयर, अदर्स, ये तमाम चीजें उनके एक्सपेंडिचर्स मौजूद है। बोल कह रहे हैं पाई चार्ट बनाना है। सोल्यूशन के हेडिंग के बाद हम लोगों ने पाई चार्ट के लिए एंगल ऑफ सेक्टर चाहिए होते हैं।
सेक्टर्स मैं बना लूंगा, जब तक मेरे पास एंगल नहीं होंगे मैं सेक्टर्स नहीं बना सकता। जब भी मैंने एज वी नो दैट करके एंगल ऑफ सेक्टर्स का फॉर्मूला लिख दिया, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360, क्या हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर्स का फॉर्मूला हो गया। अब एंगल ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने अपना जो चार्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, उस चार्ट को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम लोगों ने जैसे थे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नेक्स्ट पोर्शन में आइटम्स एक्सपेंडिचर और एंगल ऑफ सेक्टर का कॉलम बना हुआ है। आइटम्स में आप लोगों के पास फूड क्लोथिंग हाउस रेंट मेडिकल केयर अदर्स वही चीजें लिखी हुई है जो कि क्वेश्चन में गिविन थी, एक्सपेंडिचर्स में भी वही चीजें लिखी हुई है जो कि क्वेश्चन में गिविन थी। एंगल ऑफ सेक्टर में हम लोग एंगल्स निकालेंगे, वो एंगल्स कैसे निकालेंगे देख सकते हैं आप लोग। कंपोनेंट वैल्यू, एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ है कंपोनेंट वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग फूड के लिए एंगल ऑफ सेक्टर मालूम कर रहे हैं तो फूड की जो वैल्यू होगी एक्सपेंडिचर की 950, ये कंपोनेंट वैल्यू कहलाएगी। और होल क्वांटिटी की बात करें हम लोग तो होल क्वांटिटी में क्या आएगा, तो होल क्वांटिटी में जो भी आप लोगों को एक्सपेंडिचर नजर आ रहे ऑल एक्सपेंडिचर कौन से भाई, फूड का है, क्लोथिंग का है आप लोगों के पास, हाउस रेंट का है, मेडिकल केयर का है, अदर्स का है, तो ये सारे के सारे आप लोगों के पास मिलकर जिनको सम कर लें अगर, तो जो सेकंड कॉलम का सम आएगा वो आएगा 2400। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स होंगे, बुक्स ओपन हुई भी होंगे, रजिस्टर्स ओपन हुए होंगे, आप लोग कैलकुलेटर की मदद से सम कर सकते हैं। 950 प्लस 320 प्लस 500 प्लस 230 प्लस 400 को सब सम करेंगे तो 2400 आएगा, और ये 2400 टोटल है एक्सपेंडिचर्स का जो कि कंसिडर किया जाएगा होल क्वांटिटी में। गौर से सुनिएगा इस चीज को, पाई चार्ट एक ऐसी डायग्राम है जो अमूमन बोर्ड में क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों के पास एक्सपेंडिचर्स का टोटल करेंगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू निकल के आएगी 2400 निकल के आएगी, चेक कर सकते हैं आप लोग, और उसको आप लोग फॉर्मूले में होल क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर हम लोग को एंगल ऑफ सेक्टर निकालना होगा फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है भाई हम लोग के पास, फर्स्ट हम लोग के पास फूड लिखा हुआ है, तो फूड का अगर एंगल ऑफ सेक्टर निकालना होगा तो हम लोग 950 को डिवाइड कर देंगे 2400 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो हमारे पास एक एंगल निकल के आ जाएगा, और वो एंगल किस में से निकल के आ जाएगा, 360 में से निकल के आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 360 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम लोग पूरे सर्कल में से एंगल निकाल रहे हैं और सर्कल के एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं। जिस तरह हमारे पास परसेंटेज होती है ना, तो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे 20 मार्क्स का टेस्ट दिया, हम लोगों के 15 मार्क्स आ गए, तो उसको 15 डिवाइड बाय 20 करते हम लोग और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 75% निकल के आ जाता है। मतलब ये कि 100 में से जब मल्टीप्लाई बाय 100 किया आपने, तो 100 में से आपके वो मार्क्स कितने परसेंट बन गए, 75% बन गए। तो इसी तरीके से वो 100 में से कुछ हिस्सा होता है, अभी हमें 100 में से हिस्सा नहीं चाहिए, अभी हमें 360 में से हिस्सा चाहिए। जब भी हम लोगों ने कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 कर दिया, और हम लोगों ने 360 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अब अगर फर्स्ट का मैं एंगल निकालूं, तो वो एंगल किस तरीके से निकलेगा, हमारे पास 950 डिवाइड बाय 2400 जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 360 से। तो आपके सामने सामने निकाल देता हूं मैं, 950 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 360 142.5 निकल के आ रहा है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। जारी बात है एंगल है तो डिग्री में आएगा, क्योंकि एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री होती है। 320 डिवाइड करेंगे 2400 से, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 48 डिग्री निकल के आ रहे हैं। इसी तरीके से 500 डिवाइड बाय 2400
मल्टीप्लाई बाय 360, सेवेंटी फाइव डिग्री निकल के आ रहे हैं। 230 डिवाइड बाय 24 और फिर मल्टीप्लाई बाय 360, 360 चेक करते रहिएगा आप लोग साथ साथ, 34.5 डिग्री निकल के आ रहा है। और इसी तरह 2400 डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 360 60 डिग्री निकल के आ रहा है। अब आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम तमाम एंगल्स का सम करेंगे तो ये सम, जारी बात है हर किसी जो हर कोई जो आइटम था हमारे पास, हर किसी का हिस्सा किसमें से आया है, 360 में से आया, क्योंकि हम लोगों ने उसको 360 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब इन तमाम एंगल्स को प्लस करेंगे तो इन तमाम एंगल्स का सम हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 360 आना चाहिए, क्योंकि हमने 360 में से हिस्सा दिया है, यानी कि 360 को हमने पांच हिस्सों में सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई, फूड का जो सेक्टर होगा, जो हिस्सा होगा, जो पोर्शन होगा, उसका एंगल क्या होगा, 142.5 होगा। इसी तरीके से 350 यानी कि क्लोथिंग का जो हमारे पास सेक्टर होगा उसका 48 डिग्री होगा, हाउस रेंट का 75 डिग्री होगा, मदर केयर का, मेडिकल केयर का 34.5 होगा, इसी तरह अदर्स का 60 डिग्री होगा। हमें हर किसी का सेक्टर्स का एंगल पता चल गया, तो अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, अब हम लोगों के पास सिर्फ ड्रॉ करना रह गया डायग्राम को। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ड्रॉ करने की तरफ जाते हैं। जब ड्रॉ करने की तरफ जाते हैं तो याद रखिएगा, जब भी पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट के लिए जरूरी है कि आपके पास एक तो कंपस मौजूद हो, दूसरा आप लोग के पास डी का होना जरूरी है, डी और कंपस। डी आप लोग के पास एंगल मेजर करने के काम में आएगी, कंपस आप लोग के पास प्रोटेक्टर जो होता है वो आप लोग के पास सर्कल ड्रॉ करने के काम में आएगा। जब आप लोग ये दोनों चीजें आपके पास होंगी, कंपस में आप लोग पेंसिल लगाएंगे और पेंसिल लगाने के बाद कंपस को ओपन करेंगे तो लोगों को ये परेशानी होती है कि हम कितना ओपन करें, कितना बड़ा सर्कल बनेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कंपस से कोई सर्कल बना रहे हो पाई चार्ट का, तो जो आप लोग के पास पेज की लेंथ है उस पेज का हाफ कर लें। पेज का आप लोगों ने हाफ कर लिया, आप लोगों ने बोला सही है जी, हमारे पास पेज इतना बड़ा था, हम लोगों ने पेज का हाफ कर लिया, उस हाफ से थोड़ा और कम कर लें, यानी कि पूरे पेज का तकरीबन 30-40%। ये भी नहीं हो कि बहुत 10% में, पूरे पेज के 10% में डायग्राम बनी हुई हो, ये भी नहीं हो कि पूरे पेज में इतनी बड़ी डायग्राम बनी हुई हो जो 70-80% पे आ रही हो। पेज का हाफ कर लें और हाफ से थोड़ा और कम कर लें, यानी कि 40% का इतना बड़ा सर्कल होना चाहिए जिसमें हर सेक्टर, हर चीज विजिबल फॉर्म में नजर आ सके। अगर ज्यादा मुश्किल हो रही है इस बात को समझने में तो बस ये समझ लें कि जो भी हाफ ऑफ द पेज आपका रजिस्टर होगा, उसका जो हाफ पेज होगा उससे थोड़ा छोटा सर्कल बनाना है। जब भी सर्कल बनाएंगे, ये बात ख्याल रखिएगा, जब भी सर्कल बनाएंगे आप लोगों के रजिस्टर्स में लाइंस मौजूद होंगी, क्योंकि लाइनिंग वाला पेज होगा, तो किसी एक लाइन पे कंपस को रखिएगा और फिर कंपस को रोटेट कीजिएगा, यानी कि जब भी आप लोगों के पास जो सेंटर पॉइंट आए सर्कल का वो एक लाइन पर आए। कभी भी लाइनों के दरमियान मरक के सर्कल ड्रॉ मत कीजिएगा, हमेशा कंपस को लाइन पर रखिएगा और सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब आप लोग लाइन पर रख के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का सर्कल आएगा, तकरीबन सर्कल की तरह ही दिख रहा है ये, बगैर कंपस के बना हुआ है। सही, आप लोगों के पास ज्यादा एक्यूरेट होगा,
जब ये सेंटर पॉइंट जो आता है, जो आप लोग के पास जहां से आप लोग देखते हैं, जहां से आप लोग अपने कंपास को रख के पूरा कंपास को रोटेट करते हैं, तो आपके पास सर्कल बन जाता है। ये जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, यहां से एक लाइन ड्रॉ होगी राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि रेडियस कहलाती है सर्कल की। अगर लाइन सेंटर से पास होती हुई दूसरी तरफ चले जाए तो डायमीटर कहलाएगी। पता है आप लोगों को मैट्रिक क्लास में, जैसे पहले मैथ्स में पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो सेंटर से लेकर किसी भी कोने तक का फासला हमारे पास रेडियस कहलाता है। सेंटर से लेकर हमने राइट हैंड साइड तक का फासला लिया, ये जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन बनेगी लाइन के ऊपर। कौन सी लाइन के ऊपर? उस लाइन के ऊपर जो लाइन आप लोग के पास रजिस्टर की होगी। बाकी कहीं आप लोग प्लॉट ही करेंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट से लेकर राइट हैंड साइड पे आप लोग लाइन मौजूद होगी, उसी लाइन के ऊपर ये लाइन आप लोग ड्रॉ कर देंगे। कंपास को आराम से रखिए, ये ना हो कि आप लोग सेंटर बनाने के चक्कर में, कंपास बनाने के सर्कल बनाने के चक्कर में आप लोग सेंटर इतना बड़ा बना दें कि आपके पास पेज ही फट जाए। तो ख्याल रखिए कंपास को रखते हुए आराम से रखिएगा, हल्के हाथ से काम कीजिएगा, आराम से कंपास रखिएगा, पूरा सर्कल पूरा रोटेट कीजिएगा, अपने कंपास को सर्कल बनाइएगा और उस सेंटर को हटाइएगा और वहां से लेकर राइट हैंड साइड तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, जो कि हम लोग के पास सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर राइट हैंड साइड तक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो कि हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगी। अब ये लाइन ड्रॉ क्यों करिए पता चल जाएगा अभी। तो ये आपको समझना आ गया कि सर्कल किस तरीके से बनाना है या सर्कल बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। अगर हम लोग आगे बात करें तो जो पहला एंगल था हमारे पास 142.5। अब जो पॉइंट्स में एंगल आते हैं ना, वो एंगल हमारे पास पॉइंट्स में प्लॉट नहीं हो सकते। मतलब ये कि आपके पास एंगल जो है वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं और या डिविजन्स में मौजूद होते हैं, वो डी पर। आप लोग देखेंगे आप लोग के पास डी होगी, तो डी में स्केल दो जगह से स्टार्ट हो रहा होगा, एक राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा होगा, आप देखेंगे पूरा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 चल रहा होगा 180 तक, और एक आपके पास राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 डी पर। सही प्रॉपर डी हो जिसमें विजिबल फॉर्म में आर पार नजर आ रहा हो, ताकि आप लोग सही एंगल ड्रॉ कर सकें। तो अब होगा क्या के पॉइंट्स में हम लोग एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जो डी में डिविजन्स दी हुई होती हैं वो सिंगल दी हुई होती हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, 4.5 नहीं दी हुई होती, या तो या 5.5 नहीं दी हुई होती, 4 के बाद जो आती है वो 6 कहलाती है, वो 5 कहलाती है, फिर वो 6 कहलाती है, फिर वो 7 कहलाती है। और क्योंकि ये हम लोग के पास एंगल है और एंगल हम लोग के पास पॉइंट्स में होता नहीं है, तो या तो हमें इसको कम में राउंड ऑफ करना पड़ेगा या तो ज्यादा में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर हमने इसको कम में राउंड ऑफ किया तो ये 142 हो जाएगा, ये तो पूरा राउंड ऑफ है, ये तो पूरा है, तो इसको हमें ज्यादा में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 35 करना पड़ेगा। समझ में आई बात? एक तरफ 0.5 डिग्री कम किया तो दूसरी तरफ 0.5 डिग्री बढ़ा दिया, एक तरफ कम कर दिया तो दूसरी तरफ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि भाई टोटल जो है हमारे पास एंगल्स का सम, सेक्टर्स के एंगल का सम कितना रहे? 360 रहे। अब आप लोगों ने फर्स्ट एंगल ड्रॉ किया, आप लोग डी रखेंगे। मैं आपको बताना चलूं जिस तरीके से अलग से बता रहा हूं, ये सेंटर पॉइंट है और ये आप लोगों के पास रेफरेंस लाइन है, तो डी पर भी आप लोगों के पास जो पूरी डी होगी उस डी पर भी आप लोगों के पास इधर जो है वो एक सेंटर पॉइंट होगा और एक रेफरेंस लाइन डी भी होगी, और उस रेफरेंस लाइन को इस रेफरेंस लाइन पर रखेंगे, इस सेंटर को जो डी का सेंटर है इसको यहां पर रखेंगे। यानी कि जब इसको डी को रखेंगे तो डी का शेप इस तरीके से आ जाएगा, देखिएगा। ये डी का जो सेंटर पॉइंट था वो, और जो आपकी लाइन का सेंटर पॉइंट था वो दोनों क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। जो रेफरेंस लाइन थी ये वाली डी की और जो सर्कल की रेफरेंस लाइन थी सही रेडियस की, ये ओवरलैप हो गई। आप लोगों को क्या नजर आ रहा होगा? आप लोगों को डी का सेंटर नजर आ रहा होगा, क्योंकि डी ऊपर से रखी गई है।
आप लोगों को बी की रेफरेंस लाइन नजर आ रही होगी, क्योंकि डी ऊपर से रखी गई है, तो पीछे रेडियस वाली लाइन पूरी छुप जानी चाहिए, ना डी ऊपर की तरफ होनी चाहिए ना डी नीचे की तरफ होनी चाहिए, डी बिल्कुल सही रखी हुई हो, सीधी रखी हुई हो। यहां तक आपके पास सेंटर था, ये डी आधी बाहर निकली हुई होगी। अब आप वो स्केल कंसिडर करेंगे जो स्केल राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहां पे आके 90 आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में, और फिर 90 से आगे चलेंगे, 90 के बाद 100 आएगा, फिर 110 आएगा, 112 120 आएगा, 130 आएगा, 140 आएगा। जैसी 140 आएगा तो 140 के बाद आप देखेंगे कि इधर शो हो रहा होगा 140 की जो लाइन जा रही है वो कॉर्नर की लाइन है। 140 पे आप लोग देखेंगे कि 140 के बाद दो डिविजन्स क्या होंगी, 142 की होंगी, जिस तरीके से हमारे पास यहां पे होगा। तो एंगल तकरीबन हमने डी रखी हुई थी, तो हमने बोला कि डी में जो यहां पे हम लोग को नजर आया 140, तो 140 पे हमारे पास जो पॉइंट शो हुआ वो हमारे पास हुआ यहां पर, ये 142 था, 140 तक आएगा, 140 के बाद दो डिवीजन। देखिएगा जब 140 आ जाए तो आप लोग बड़ी वाली लाइन कंसिडर कर सकते हैं, इसके बाद दो डिवीजन, एक और दो, दो डिवीजन पे आप लोग 142 होगा, और वहीं पे आप लोग पेंसिल से मार्क कर देंगे, या आप लोगों ने मार्क कर दिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे। अब जरूरत तो मार्किंग तो यहां तक हुई है, सर्कल बड़ा बना हुआ होगा ताकि पूरी डी आ जाए, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था पेज का 40% सर्कल बनेगा। तो स्केल रखेंगे, स्केल कैसे ज्वाइन किया, स्केल रख के वो पॉइंट भी आ गया और सेंटर से ज्वाइन कर दिया, यानी कि सेंटर से वो पॉइंट ज्वाइन हो रहा हो, चाहे वो उधर जाके सर्कल के कॉर्नर में आए कहीं भी मिले, मगर सेंटर से लेकर पॉइंट टच हो रहा हो और एंड तक जा रहा हो, ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो हमारे पास हिस्सा आया ये कहलाएगा फूट का सेक्टर, यानी कि फूट का हिस्सा। अब हमें दूसरा एंगल प्लॉट करना है जो कि 48 है। अब या तो हम लोग रजिस्टर को थोड़ा घुमा लें, क्योंकि डायग्राम तो सीधी यूं उस तरीके से होगी ना, जब रजिस्टर को घुमा लेंगे तो ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड पे, या तो हम लोग अभी इधर बैठे हैं सामने आके बैठे हैं खुद घूम जाएं, दो तरीके। तो अब डी को कैसे रखना है, अगर मैं इधर बताऊं, इसको जब घुमा लेंगे हम लोग के पास, तो अब डी चूंकि ये हमारे पास एंगल आया है तो अब डी इस लाइन में रखी जाएगी, और डी रखने का तरीका क्या होगा, वही तरीका होगा, सेंटर पॉइंट ये रहा, राइट हैंड साइड से मेजर करना स्टार्ट करेंगे एंगल को, और फिर एंगल मेजर करेंगे, और फिर एंगल में क्या मेजर करेंगे, 48, तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, और जैसी 40 आएगा उसके बाद 45 के बाद तीन लाइन है, 48 तीन डिवीजन, यानी कि या फिर 40 के बाद 8 डिवीजन देख लीजिए, या 50 तक चले जाइए, 50 से दो लेस कर दीजिए 48 तक। तो अब जो एंगल ड्रॉ होगा वो पहले सेक्टर की जो लाइन होगी बॉर्डर होगा उस पर रख के एंगल ड्रॉ होगा, यानी कि जब तक कि पहला एंगल ड्रॉ नहीं होगा दूसरा एंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। पहला एंगल ड्रॉ करने के लिए रेडियस की जरूरत थी, दूसरा एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले सेक्टर की लाइन की जरूरत थी बॉर्डर की, समझ रहे ना आप लोग। अब अगर हम लोगों ने दूसरा एंगल का हमारे पास इंडिकेशन आ गया, तो दूसरा एंगल हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल यहां पे हो गया, तो हम लोगों ने स्केल की मदद से ये पॉइंट था, हम लोगों ने इसको लाइन जब ड्रॉ करी तो उसी के अंदर ले लिया। अब हमारी डी इस एंगल पे रखी जाएगी, यानी कि रजिस्टर को और घुमा लेंगे, अब डी इस तरीके से रखी जाएगी, फिर दोबारा एंगल इसको रेफरेंस लाइन कंसीडर किया जाएगा, और अब दोबारा से एंगल मेजर किया जाएगा कितना, 75, तो 75 हम लोग एंगल निकालेंगे तकरीबन यहां पे आ गया, एक रफली स्केच कर रहा हूं। फिर इसी तरीके से इस लाइन की मदद से 35 एंगल निकालेंगे, फिर जब 35 हम लोग प्लॉट करेंगे तो जो बच जाएगा वो एंगल हमारे पास 60 डिग्री होना चाहिए। अगर वो एंगल 60 डिग्री नहीं हुआ
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने कहीं कोई एंगल ज्यादा प्लॉट कर दिया है। अगर ये 142 था, हमने 143 प्लॉट कर दिया, बाकी सब सही करे तो लाइन से सारे एंगल गलत हो गए। तो कोई, यानी कि जब भी कोई एंगल बनाएंगे उसका ख्याल रखना है, उससे कंसंट्रेशन से, ध्यान से एंगल बनाना है। पहला एंगल सही बनेगा, दूसरा एंगल सही बनाना है, तीसरा एंगल, कोई भी एक एंगल खराब बनेगा, आखिरी वाला एंगल खराब हो जाएगा। तो आखिरी वाला एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। अगर वो 59 है, इसका मतलब है आपने कहीं ज्यादा प्लॉट कर दिया है। अगर वो 61 है, इसका मतलब क्या है? आपने कहीं कम प्लॉट कर दिया है, कहीं हाफ डिग्री कम कर दिया, कहीं हाफ डिग्री कम कर दिया। तो शुरू से लेकर आखिर तक एंगल की जो प्लॉटिंग है, उस प्लॉटिंग को ध्यान से करना है और बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ करना है, जो भी एंगल आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। जब एंगल सारे ड्रॉ हो जाएंगे, अब आप एग्जामिनर ज्यादातर क्या होता है, एग्जामिनर आखिरी जब ये डायग्राम बनी हुई होती है तो वो आखिरी एंगल मेजर कर लेते हैं कि भाई आखिरी एंगल 60 है या नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि भाई कुछ भी एंगल बना दें, ऐसी एंगल बना दें, मगर आखिरी एंगल पूरा बनाए 60 डिग्री, तो आखिरी एंगल मेजर करते हैं और डायग्राम बना देते हैं। सही, तो कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे कितने तेज हैं। सही, तो कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो रैंडमली चेक कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एंगल कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए, उन्होंने सेकेंड एंगल चेक कर लिया, 48 है या नहीं है। सही, या थर्ड एंगल चेक कर लिया, 75 है या नहीं है। तो इस तरह डायग्राम पकड़ी जा सकती है। तो कोशिश करें कि दो नंबर काम ना करें, काम तरीके से करें, ध्यान से करेंगे, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, तो पांचवा एंगल, जो एंगल बचेगा रिमेनिंग एंगल वो उतना ही होगा जितना आप लोगों के पास क्वेश्चन में शो किया हुआ होगा। कोशिश करिए भरपूर तौर पे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आप लोग जो है वो डी को रखना और डी से एंगल ड्रॉ करना सीख जाए, और उम्मीद है कि सीख गए होंगे। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाई है, मैंने आपको बताया था पेज का 40% पे डायग्राम बनेगी, तो पेज का भी 60% हिस्से पे आप लोगों ने ये काम किया होगा, एंगल ऑफ सेक्शन निकाले होंगे, क्वेश्चन कॉपी किया हुआ होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग बनी होगी, ये तमाम काम हुआ हुआ होगा। इक्वल बॉक्सेस कहीं पे भी आप लोग इंडिकेशन दें, चाहे वो सिंपल बार डायग्राम में हो, चाहे वो मल्टीपल बार डायग्राम हो। सिंपल बार डायग्राम में तो मैं इंडिकेशन नहीं देता, मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम में देता हूं। तो कहीं पे भी आप लोग इंडिकेशन दें, चाहे वो सब पाई चार्ट में हो, प्रॉपर स्केल की मदद से पूरे बॉक्सेस बनेंगे, पूरी एक लाइन का एक बॉक्स बनेगा जो पूरा स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक लाइन का डिफरेंस दें, फिर एक लाइन का बनाएं, फिर एक लाइन का डिफरेंस दें, फिर एक लाइन का। इस तरीके से अगर 5 बॉक्सेस बनेंगे तो आप लोग के पास 10 लाइनें इस्तेमाल होंगी, 5 बॉक्सेस पे आप लोग के पास ये बॉक्सेस बनेंगे, हर बॉक्स के दरमियान एक लाइन का फर्क होगा। फर्स्ट एंगल आप लोगों के पास कौन सा था, जिसमें जो कितने डिग्री का था, 142 डिग्री का था। दूसरा एंगल जो कि 48 डिग्री का था। तीसरा एंगल जो कि 75 डिग्री का था। चौथा एंगल जो कि 35 डिग्री का आप लोगों ने प्लॉट किया, राउंड ऑफ कर दिया था। पांचवा एंगल जो कि 60 डिग्री का था। पहला एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, फूट को। सही है, देख रहे हैं काम किस तरीके से हो रहा है, इसी तरीके से काम करना है। फिर क्लोथिंग को, फिर हाउस रेंट को, फिर मेडिकल केयर को, और फिर अदर्स को। सही है। अच्छा जी, जो सबसे बड़ा वाला सेक्टर होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5 सेक्टर बन गए, जो सबसे बड़ा वाला सेक्टर होता है उसको हमेशा खाली छोड़ देते, ताकि हमें कम काम करना पड़े, कम शेड देना पड़े। तो हमने उसको खाली छोड़ दिया और बता दिया कि भाई जो खाली वाला सेक्टर है वो 142 एंगल को मेजर करें। इधर शो करवाना एंगल बेवकूफी है, अंदर लिख देना, छोड़ दें बिला वजह डायग्राम, और बुरी लगती है। नीट एंड क्लीन डायग्राम रहने दें अपनी। इन सेक्टर्स को जब आप लोग बना लें तो इन सेक्टर्स की आउटलाइन आप कर सकते हैं पॉइंटर से। सही है, बाकी आप लोगों को शेडिंग करनी है। जिस तरीके से आप लोगों के पास क्लोथिंग है, तो क्लोथिंग में आप लोगों ने बोला कि भाई हम लोगों के पास 48, कोई भी एक लाइन, कभी भी ऐसी शेडिंग मत कीजिएगा जो लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस जैसी हो। आप लोग जैसे 3 लाइनें खींच दें, बोल दें कि मैंने शेडिंग करी है, शेड दिया, नहीं, क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा आप लोगों के पास बॉर्डर से। तो ऐसी शेडिंग मत दें। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी शेडिंग है,
या आप लोगों ने शेड दे दिया, आप ये रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को, 48 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोगों ने इधर शो कर दिया कि इस तरह का जो सेक्टर है वो सेक्टर हम लोग के पास कौन सा है, क्लोथिंग का है, और जो सेकंड सेक्टर है उधर तीन कॉर्नर्स आ रहे थे तो तीन कॉर्नर्स पे कर दिया था, इधर चार कॉर्नर्स आ रहे थे इंडिकेशन में तो चार के पे बना दिया। उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से कोई भी शेप दे दिया, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मुश्किल शेड देने की जरूरत नहीं है। ये जो आप लोगों के पास इंडिकेशंस हैं, ये आप लोगों के पास रिप्रेजेंट करिए हाउस रेंट को जो कि थर्ड हो गई। इसके बाद आप लोगों ने जो सबसे छोटा वाला था सेक्टर मेडिकल केयर का, उधर आप लोगों ने डॉट से शो कर दिया और इधर भी आप लोगों ने डॉट बना दिए ताकि समझने में आसानी हो कि जो डॉटेड सेक्टर है वह हमारे पास मेडिकल केयर का है। और फिर और बहुत सारे शेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही शेड हो। डबल लाइन का एक शेड दे दिया आप लोगों ने। अब देखिए ये जो मैंने लाइनिंग दी है ना, ना ये लाइनिंग यू है, ना ये लाइनिंग यू है, ना ये सर्कल की फॉर्म में है, इस तरह का मैंने शेड दे दिया और बता दिया ये डबल लाइन शो कर रही है किसको, आप लोग के पास अदर्स को, जो कि आप लोग के पास कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और यहां पे आप लोगों के पास ये पाई चार्ट की डायग्राम कंप्लीट हो गई। ये सामने बनी है पाई चार्ट की डायग्राम, और इस तरीके से पाई चार्ट की डायग्राम बनेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा। और पता है आप लोगों को कि जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हों जो आप लोगों के पास पाई चार्ट के हों वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब करना क्या है, करना जो आप लोगों के पास बात है कि सिंपल बाय डायग्राम हो गया, डायग्राम में सारी सिंपल बाय डायग्राम हो गई, मल्टीपल बाय डायग्राम हो गई, कॉम्पोनेंट बाय डायग्राम हो गई, पाई चार्ट हो गई। हमारा काम क्या है, हम इन डायग्राम्स की और जिससे पहले ग्राफ किए चार के चार ग्राफ, इन चार के चार ग्राफ की, चार के चार डायग्राम्स की डेफिनेशंस बुक से पढ़ें और उनको रजिस्टर में लिखें। डेफिनेशंस हमारे पास लिखी होनी चाहिए और फिर हम लोग ये डायग्राम और ग्राफ का काम करें। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई मसला नहीं है, साथ साथ क्लासेस के चल रहे थे, लेक्चर के चल रहे थे, पहले डायग्राम बना ली, ग्राफ बना ली, कोई मसला नहीं है। डेफिनेशन की हेडिंग डाल के तमाम ग्राफ्स की डेफिनेशन बुक में से और तमाम डायग्राम्स की डेफिनेशन बुक में से आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दो काम है आप लोगों, डेफिनेशंस लिखनी है और इस तरह के जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है उन रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस हो जाए और ये जितना भी टॉपिक था आप लोगों के पास डायग्राम और ग्राफ का एक कवर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।